आप सब मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप सब जहां पे पहुंचे। तो आज की जो प्रेस वार्ता हमारी है, आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि राष्ट्रीय युवा भगत ऑर्गेनाइजेशन पिछले काफी अरसे से समाज में काम कर रहा है और समाज में फैली हुई कुप्रथाओं के ऊपर काम कर रहा है और समाज में जो गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करने के लिए काम कर रहा है। राष्ट्रीय युवा भगत संगठन एक नेशनल संगठन है जिसकी अभी तक 7 प्रदेशों में टीम बन चुकी है। आज जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय युवा भगत संगठन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए हमारी बहन एडवोकेट अनु भगत जी को राष्ट्रीय युवा भगत संगठन के अध्यक्ष के नाते, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष के नाते आज बहन एडवोकेट अनु भगत जी को जिम्मेवारी सौंपी गई है। बहन अनु भगत जी काफी अरसे से समाज की सेवा कर रही है और हमें लगता है कि अनु भगत जी राष्ट्रीय युवा भगत संगठन की गतिविधियों को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगी, गतिशील रहेंगी। हमारे संगठन का जो मुख्य कारण है, मुख्य जिसके ऊपर हम मुख्यतः काम करेंगे, सबसे पहला कि जो गरीब बच्चियां, गरीब हमारी बहनें जिनकी शादी करने में हम आए दिन मीडिया में देख रहे हैं, उनको कई तरह की मुसीबतों से या प्रॉब्लम से, चाहे वो आर्थिक प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है। राष्ट्रीय युवा भगत संगठन एक सामूहिक विवाह का कार्यक्रम के तहत कुल मिलाकर कबीर जयंती के ऊपर, जैसे 14 जून को है कबीर जयंती के ऊपर, जहाँ जैसे आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ऐसे संतों महात्माओं के जन्म दिवस के ऊपर ऐसी कन्याओं का विवाह जो है वो बिल्कुल मुफ्त करवाएगा और उनको जो भी इस संगठन से जुड़ता बनेगा वो उनकी उनको दिया जाएगा, जो उनकी आगे आने वाली लाइफ में उनको मदद मिलेगी। इसके अलावा जो गरीब लोग हैं जिनको राष्ट्रीय युवा भगत संगठन की आवश्यकता है, जो अपने मुख्य विचारधारा से पिछड़े हुए लोग हैं, जो दबे कुचले हुए लोग हैं, उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना राष्ट्रीय युवा भगत संगठन का मेन पर्पस रहेगा। और दूसरी बात मैं आप सबको साझा कर दूं, राष्ट्रीय युवा भगत संगठन अखंड भारत के निर्माण हेतु भी कार्य करेगा और अपनी सेवाएं हर दम 24 घंटे दिन रात अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहेगा। जिस तरह से चेयरमैन साहब ने पहले ही जो हमारा एक सोल मोटिव रहने वाला है इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो उन्होंने अपनी तरफ से साफ कर दिया है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी एड ऑन करने की जरूरत है। जो बेसिक पर्पस और जो उपलक्ष्य इस ऑर्गेनाइजेशन का रहने वाला है वो कुल मिला के यही रहेगा कि जो भी जरूरतमंद, जिस भी तरह से, चाहे वो जैसे कि हमारे चेयरमैन जी ने कहा कि लड़कियों की शादी सिर्फ शादी ना रहकर एजुकेशन या किसी को फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हो, ऑल इन ऑल इसमें हम जितना कर सके अपने डाउन रोड इन सोसाइटी को एक मार्जिन लाइन में लाने के लिए, हम जितना कॉन्ट्रीब्यूट कर सके हम उतना करने की कोशिश करें।